अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल इफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, अब हमारे पास जो है वो चैप्टर 20 है, लास्ट है आपका चैप्टर। उसके बाद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकल की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज से न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स आ गए हैं? आपको ये ऐसे पता चलेगा कि आप अपना जो आपका 10 डेज टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? खुद ही करें, आप न्यूमेरिकल्स एक जगह पे सारे लिख लें और उनको सॉल्व करते जाएं, ठीक है? और खुद ही सारी चीज़ें करें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा भाई, नाउ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 1। अ लिविंग प्लांट्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ कार्बन-14 एज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्लांट है, जिंदा प्लांट है, ठीक है, डेड नहीं है। उसके पास है आइसोटोपिक कार्बन, ठीक है। अब उसके पास कितना है सेम, मतलब ये जितना कार्बन-14 जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है इतना ही उसके पास मौजूद है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन-12 होती है ना, उसी का जितना कार्बन-12 का आइसोटोप, कार्बन-12 आपकी एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो उसके पास मौजूद है कार्बन-12 की जगह कार्बन-14, लेकिन दोनों की मकदार एक जितनी है। द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ डिके ऑफ कार्बन-14 फ्राम डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्राम अ लिविंग प्लांट इज़ 15.3 डिसइंटीग्रेशन। अब जब हमने उसको ऑब्जर्व किया उसका रेट ऑफ डिके कार्बन-14 का प्लांट में, तो वो कितना था, 15.3 एक मिनट के अंदर हो रहा था, ठीक है। पर ग्राम कार्बन में से एक मिनट में कितना हो रहा था, 15.3, यानी कि मिकदार कितनी है 1 ग्राम, उसमें से कितना जो है वो आपके पास जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है 15.3, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल क्या है, 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है हाउ मैनी डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम 12900 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आपके पास 12900 ईयर्स में कितना जो है वो सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि टोटल टाइम आपको कितना दे दिया है, 12900। और हाफ साइकिल हाफ लाइफ क्या होती है कार्बन-14 की, 5730 या हाफ टाइम है। अब आपने बताना है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल क्या होगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है ना बेटा, उसका तरीका ये होता है कि टोटल टाइम से हाफ टाइम को डिवाइड कर दो, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकल के आ जाती है। यहाँ पे हम यही करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को डिवाइड करेंगे टोटल, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ को निकालेंगे कैसे, टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे हाफ टाइम से। टोटल टाइम था 12900 डिवाइडेड बाय 5730, यानी कि 2.25 आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई। ये जो एन है ना, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें एक फार्मूला में पुट करना है। अब हमें जब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल निकालना है ना, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 और उसके ऊपर पावर होती है एन, यानी कि जो 2.25 है ना, ये इस एन की जगह आएगा, सही है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके पास ओरिजिनल सैंपल गिवन होगा। ओरिजिनल सैंपल यहाँ पे गिवन था 15.3, आपने वैल्यूज को पुट किया, उसको सॉल्व किया। सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो 2 के ऊपर पावर 2.25 है ना, इसको कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू को निकालेंगे, फिर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.21। उस वैल्यू को आप 15.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.21 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ठीक है। अच्छा भाई, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल आपके पास इतना बचेगा। अगला देखें न्यूमेरिकल नंबर 2, क्या कह रहा है आपको कि बेटा आपके पास स्मॉलेस्ट कार्बन-14 एक्टिविटी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कार्बन-14 एक्टिविटी डेट कैन बी मेजर इज अबाउट 0.2%। इफ कार्बन-14 इज यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स। आपको उन्होंने एक्टिविटी बता दी कितनी, 0.2%। इसको पहले कन्वर्ट कर लो तो योगे 2/1000। हाफ टाइम आपको पता है कार्बन-14 की उन्होंने ऊपर बताई थी क्या होती, 5730। बोर्ड में आपको गिवन हो गया, अगर आपको वैसे ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम क्या होता है, वो सारा टाइम जिसके अंदर ये ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका था ना कि भाई इसका जो है वो टोटल टाइम मेजर जो आपको दिया था 12900, इसी तरह से इसका भी होता है। उसके लिए हमने सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल वाला फार्मूला लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमने चूँकि क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे पास आनी चाहिए एन की वैल्यू। जब हमारे पास एन की वैल्यू आएगी तो बेटा आपको पता है ना, आपके पास फार्मूला होता है एन इज़ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ टाइम।
तो आपने निकालना है टोटल टाइम, तो ये टी इस एन से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो आपके पास टोटल टाइम आएगा। अब एन की वैल्यू निकालने का हमारे पास एक यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें जो है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो गिवन है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल आपके पास क्या है, 2/1000। ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी क्या शो करती है, एक्टिविटी का मतलब होता है रिमेनिंग रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैंपल। रिमेनिंग अमाउंट कितना है 2, ओरिजिनल सैंपल कितना है 1000, ठीक है। इन दो को आपस में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास एक्टिविटी कहलाती है। हमने लिखा 2/1000 इज इक्वल्स टू 1/2n, ये एक दफ़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपने 2 1 2 2 5 10 और नीचे आ गया 2 0, यानी कि ये हो गया है 1/2n इज इक्वल्स टू 1/500। इसको उलट दो, यानी कि नीचे की वैल्यूज़ को ऊपर ले जाओ और ऊपर की वैल्यूज़ को नीचे ले आओ, ऐसे रिवर्स वाला काम कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 500, यही वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं है। अच्छा भाई, अब आप क्या करें, 2n अब आपको सॉल्व करना, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस n को इधर ही रहने दें और 2 को सब ले जाएं। अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लेंगे लॉग। हमने दोनों साइड पे लिया लॉग, लॉग 2n इज इक्वल्स टू लॉग 500। लॉग 500 की वैल्यू आपको मिल जाएगी किसमें से, टेबल में से। अच्छा, अब आपको बताएं, जब हम लोग लॉग लेंगे 2 की पावर n पर, तो n लॉग से पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा n लॉग 2। लॉग 2 को आप इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएं, ठीक है। ये हो गया लॉग 500 डिवाइडेड बाय लॉग 2। अब ये वाला काम नहीं करना कि लॉग से लॉग कट गया, 2 1 2 2 4 8, 1 यहाँ 2 5 10, और फिर ऐसे ही होगा, नहीं सॉरी 2 2 4 250 250 हो जाएगा, सॉरी। तो कहीं आप लोग बोले कि मैम 250 हमारे पास n की वैल्यू आ रही नहीं, ये काम नहीं करना है। लॉग 500 और लॉग 2 को टेबल में जाकर देखना है, आपकी मैथ की बुक में गिविन होता है, वहाँ से आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसी तरह की होंगी, उनको पुट करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ गई। अब आपने फार्मूला था नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला, इसके अंदर आपने n की वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे आपके पास हाफ टाइम आ गया, आपने हाफ टाइम को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके गए, इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास इसका टोटल टाइम आ गया, क्या आया, 51,375 ईयर्स, ये आपके पास आ गया टोटल टाइम। इससे हमें क्या चीज़ पता चली, इससे हमें पता चली कि अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास n की वैल्यू नहीं आ पा रही है, 2n से अलग करना मुश्किल है, तो हम लॉग लेकर भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का, ज़रा देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25%। अब आप खुद बता दें, जो 25% है आपके पास क्या है, आपके पास है ऑफ द कार्बन 14 एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कार्बन 14 टू डीके, ये आपके पास वो सैंपल है जो डीके हो चुका है। अब रिमेनिंग सैंपल कितना होगा, 100 में से आप डिवाइड कर दें, माइनस कर दें 25 को, तो 75% आपके पास रिमेनिंग सैंपल है। 25% तो वो ये कह रहे हैं ना कि डिके हो गया कार्बन 14 का। अब आपने इसकी एक्टिविटी आपके पास कितनी आएगी, आपने 75% को 100 से डिवाइड करना, ये हो गया 75 / 100 इज इक्वल टू 3/4, ये आपके पास इसकी एक्टिविटी आ गई। आपने हाफ लाइफ को पुट किया और ये टोटल टाइम आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला होता है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1/2n मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल को दूसरी तरफ ले जाओ, मैंने पहले ही बताया था कि एक्टिविटी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल और ओरिजिनल सैंपल होगा, ठीक है। आपने इसकी जगह पे पुट किया 3/4 इज इक्वल टू 1/2n। अब आपने इसको उलट दिया तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 4/3। ये सारा आपने वही रिवर्स वाला गेम किया जो हमने पहले किया था, 4/3 को सॉल्व किया तो आ गया 1.33। अब आपने ले लिया दोनों तरफ लॉग, ऐसे ही लॉग लेंगे, सारी चीज़ें सेम देखें उसी तरह से होते आ रही हैं। लॉग 1.33 डिवाइडेड बाय लॉग 2, उसमें टेबल में डाल के आपने इसकी वैल्यूज़ निकालें तो आपके पास n की वैल्यू आ गई क्या, 0.4113, क्योंकि आपने क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, तरीक़ेकार वही है, n है। अब हाफ टाइम को n से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम क्या आ रहा है आपके पास, 2356। सेम चीज़ थी, क्या फ़र्क था, सिर्फ एक फ़र्क था कि यहाँ पे n की वैल्यू 0.4 आई थी और वहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 8.9 आई थी। फार्मूलाज तो दोनों जगहों पर सेम इस्तेमाल हुए ना, कोई फ़र्क तो था नहीं खास। तीसरा वाला देखें, वो भी इसी तरह का है। आपसे कहा गया था कार्बन 14 डीके रेट ऑफ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग ट्री इज़ 0.2
96 डिस्टिंटिग्रेशन पर सेकंड पर मीटर। आपसे कहा गया है कि जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट था ना, जो हमें किसी यंग ट्री से मिला था, वो कितना था? 0.296। ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद देखो, अनदर वुड सैंपल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड एट एन आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन गिव्स अ डिके रेट ऑफ 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैंपल। व्हाट इज़ द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट? आपसे एज पूछी गई है, एज का मतलब ये होगा आपके पास उसकी टोटल लाइफ, यानी कि टोटल टाइम पूछा गया कितना उसका टाइम होगा। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल भी आ गया आपके पास, ठीक है, यानी कि आपने पहले उसमें से सैंपल ऑब्टेन किया 0.2, फिर जो बचा हुआ सैंपल था वो भी निकाल लिया, वो कितना था? 0.1। अब आपने हाफ लाइफ, आपको पता है कार्बन 14 की क्या होती है? 5730। अब ये मैं इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को ये याद हो चुकी होगी। आप लोगों को निकालना है टोटल टाइम, तो आप लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल, सारी चीज़ें वैसे ही पुट करेंगे, टू एन को अलग कर देंगे, एन अलग आ जाएगा, फिर एन को निकालेंगे लॉग को पुट करके, जब आप पुट करके एन की वैल्यू निकालेंगे उसको पुट कर देंगे आप फार्मूला में, फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास हाफ टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देना एन की वैल्यू से, तो टोटल टाइम आपके पास आ गया 8240। तीन न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम थे, और जो फर्स्ट वन था ना वो भी इन्हीं की तरह का था, वही फार्मूलाज यूज़ थे, तो क्या फ़र्क था? इतने आसान से हैं ये आपके पास। सिर्फ इतना था कि पहले आपको परसेंटेज में दिया जा रहा था और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज में नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल रिमेनिंग अमाउंट की जगह 0.1 और ओरिजिनल अमाउंट की जगह 0.2 को पुट कर देंगे, सिंपल। और क्या करना है आपने? आसान है, कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मसला होता है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, यहाँ तक कोई मसला होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे पूछ लें। अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकल की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जो आपको ना समझ आया हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।